जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, आज राहु केतु की श्रृंखला की आखिरी कड़ी में मीन लगन की कुंडली में केतु कहाँ कहाँ प्लेस्ड होने से क्या क्या रिजल्ट देंगे, इसके बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। प्रिय दर्शकों, आपने पहले भी मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए, आप में से कईयों की अगर एपिसोड्स रह गए हों तो हमारे इंस्टीट्यूशन से इनकी सीडी प्राप्त करके घर बैठ करके ही अपनी चीज़ को अपनी कुंडली में देख करके उसको एनालाइज करके खुद स्वयं ज्योतिषी बनने के काबिल आप बन सकते हैं और अपनी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन सा प्लैनेट पड़ा हुआ क्या रिजल्ट देगा। वो सीडीज हमारे इंस्टीट्यूशन से थोड़ा सा शुल्क देकर प्राप्त की जा सकती है। जिसका भी एपिसोड रह गया हो, लाइट चली गई हो, केबल की कोई प्रॉब्लम हो, ये इंस्टीट्यूशन हमारा आपको ये व्यवधान देता है कि फिर भी आप घर बैठ करके सीख सकते हैं। आइए प्रिय दर्शकों, बात करता हूँ मीन लगन की कुंडली की। मीन लगन की कुंडली में केतु देवता की प्लेसमेंट्स किस किस भाव में क्या क्या रिजल्ट देगी। प्रिय दर्शकों, केतु देवता अगर लगन में ही पड़ा हुआ हो, डिग्री वाइज बलाबल जरूर देखिएगा, मैं बार बार कहता आया हूँ, आज फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, अगर केतु देव लगन में ही पड़े हुए हों तो ये कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में पड़े हुए हैं। बृहस्पति की राशि में पड़े होने से सदैव अशुभ फल देंगे, अपनी दशांतर दशा में हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स देंगे, संतान से भी पेट में भी प्रॉब्लम्स देंगे, दाम्पत्य सुख डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम देंगे और पिता से भी दिक्कत परेशानियां ज़रूर खड़ी करेंगे। धर्म को ना मानने वाला होगा, जातक विदेश यात्रा जाना चाहेगा तो जा पाएगा, अपनी दशांतर दशा में केतुदेव नेगेटिव रिजल्ट डिवेल्प करेंगे। केतुदेव दूसरे घर में पड़े होंगे, धन कुटुंब वाणी के घर में, ये वो मंगल की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, यहाँ केतु देवता का पड़ा होना कभी अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ केतुदेव धन का अभाव तो ज़रूर रखेंगे, परिवार से ज़रूर दूर करेंगे, लेकिन जातक की वाणी को डिप्लोमेट बना देंगे। जहाँ काम निकालना चाहेगा वो निकाल लेगा, जहाँ जोर से निकालना चाहेगा लड़के निकाल लेगा, जहाँ प्यार से निकालना चाहेगा वहाँ पुचकार के काम निकालेगा। लेकिन डिग्री वाइज भला बल जरूर देख लीजिएगा, फंक्शंस कुंडली के उस हिसाब से ग्रह रिजल्ट्स देते हैं। केतु देवता तीसरे भाव में पड़े हों, जो आजकल गोचर में पड़े हुए हैं, छोटे भाई बहनों से कलह क्लेश, मनमुटाव रहने का योग बनाएगा अपनी दशांतर दशा में केतु देवता, छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, फजूल की मेहनत होगी जो रिजल्ट पूर्ण नहीं देगी और आपको वो फ्रस्ट्रेट करेगी। यहाँ से दृष्टि डालेंगे केतु देवता परिवार दाम्पत्य सुख पे, पार्टनरशिप में और डेली वेजेस में भी प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ से केतु देव दृष्टि डालेंगे पिता से प्रॉब्लम, धर्म को मानने से विदेश यात्रा में प्रॉब्लम्स। यहाँ से केतु देव दृष्टि डालेंगे बड़े भाई बहनों से प्रॉब्लम्स, लाभ में भी प्रॉब्लम्स देंगे, छोटी बीमारियाँ भी देंगे केतु देवता। केतु देव चौथे भाव में पड़े होंगे, पूर्ण जिंदगी कभी अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ भी केतु देव नीच के कंसिडर किए जाते हैं। मिथुन राशि के केतु देवता को नीच का कंसीडर किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अपनी दशा अंतर दशा में माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, घर संबंधी हर चीज संबंधी वो प्रॉब्लम देंगे, छाती संबंधी विकार भी दे सकते हैं, क्योंकि नीच के हो चुके हैं यहाँ देवता। यहाँ से ऑब्स्टेकल्स पे दृष्टि डाली, फजूल की ऑब्स्टेकल्स बढ़ा दी, यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज में, कामकाज के संबंधी प्रॉब्लम्स बढ़ा दी, यहाँ से दृष्टि डाली 12वें व्यय पे, फजूल का व्यय होना इंसान का तय है, इंसान को समझ में ही नहीं आता मेरा इतना फजूल का व्यय क्यों हो रहा है, वो दिक्कत परेशानियाँ यहाँ दृष्टि डाल के ज़रूर देंगे। हाँ, यहाँ पर प्लेसमेंट होने की वजह से एक एडवांटेज ज़रूर देंगे, जातक विदेश सेटल ज़रूर हो सकता है, विदेश सेटल होकर के वहाँ जॉब करके अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन अच्छा कर सकता है, लेकिन सिर्फ सबॉर्डिनेशन और जॉब करके, इन्वेस्टमेंट करके कोई काम नहीं कर पाएगा केतु की दशांतर दशा में, अगर केतु चौथे भाव का पड़ा हुआ तो। प्रिय दर्शकों, केतु पांचवें भाव में पड़े हों, यानी कर्क राशि के पड़े हों, पेट संबंधी प्रॉब्लम्स, संतान संबंधी प्रॉब्लम्स, अनसर्टेन लॉस होना, लव रोमांस में फेल होना, ये सारी चीज़ें केतुदेव यहाँ ज़रूर देंगे। केतु देवता की दृष्टि यहाँ नवम भाव पे पड़ी, नवम भाव संबंधी भी प्रॉब्लम्स, पिता से प्रॉब्लम्स, धर्म को ना मानना, विदेश यात्रा फजूल की होना और उसमें लॉस होना, ये सारी प्रॉब्लम्स वो ज़रूर देंगे। केतु देवता की दृष्टि बड़े भाई बहन पर पड़ी, वहाँ भी प्रॉब्लम्स, लाभ में भी प्रॉब्लम्स और छोटी बीमारियाँ भी वो ज़रूर देंगे। केतु देवता की पर्सनैलिटी पर दृष्टि पड़ी, यानी आपके खुद पे
लगन पे दृष्टि पड़ी वो भी अशुभ मानी जाएगी, सदैव अच्छी नहीं मानी जाएगी। सदैव अपनी दशा अंतर दशा में केतु देवता मेंटली उसको डिस्टर्ब करके उसकी पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां ही देंगे। केतु देवता प्रिय दर्शकों छठे भाव में पड़े होंगे, एक तो भाव गलत, ऊपर से अति शत्रु राशि। जब भी केतु की दशा अंतर दशा चलेगी कभी भी इंसान को स्टेबल नहीं होने देगी, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा देगी, यहाँ से कामकाज में दृष्टि डालेगी, कामकाज में भी फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी रखेगी। इंसान इतना हार्डवर्क करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं गेन कर पाएगा जो वो डिजर्व करता है, तो यहाँ केतु देवता कामकाज में प्रॉब्लम जरूर देंगे। केतु देवता की दृष्टि 12वें घर पे पड़ी, फजूल का व्यय इंसान का होता ही रहेगा, घर से बीमारी जितना मर्जी जोर लगाओ वो जाएगी ही नहीं, क्योंकि ये अस्पताल का खर्चे का घर भी है। अगर व्यू फजूल का व्यय है ये अस्पताल के खर्चे का घर होने की वजह से, और केतु की दृष्टि बीमारी के घर में से यहाँ पर होने की वजह से छोटी मोटी बीमारी कोई ना कोई घर में लगी ही रहेगी, आपको केतु को शांत ज़रूर करना पड़ेगा। केतु देवता की 9वीं दृष्टि दूसरे घर पे पड़ी, धन कुटुंब वाणी के घर पे, यहाँ भी केतु देव टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे अपनी दशांतर दशा में। अपनी पूरी जिंदगी में जब केतु की दशांतर दशा चलेगी धन कुटुंब संबंधी प्रॉब्लम्स, वाणी संबंधी प्रॉब्लम्स, वाणी को इतनी कटु कर देगा कि इंसान गाली पहले निकालेगा बात बाद में करेगा, क्योंकि केतु देवता का पाप प्रभाव दूसरे घर पे पड़ेगा। दूसरा घर हमारे कंठ का होता है प्रिय दर्शकों, कंठ पे केतु का पाप प्रभाव पड़ना अशुभ माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। केतु देव छठी राशि के 7वें भाव में पड़े, ये सदैव अच्छे होंगे। क्यों? अगर बुध की प्लेसमेंट भी अच्छी हो गई तो केतु देवता अपनी दशा अंतर दशा में मैरिड लाइफ में अच्छे रिलेशंस बनाएंगे, पार्टनरशिप में अच्छा होगा, और डेली वेजेस में भी यानी इंसान की रोजी रोजगार में भी नए रास्ते खुलेंगे। जातक की डिमोशन होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसकी इंप्रूव कर जाएगी, क्योंकि केतु देवता अपने अति मित्र के घर में बैठे हैं और अपॉर्चुनिटीज नई से नई लेकर के आएंगे जातक के पास। केतु देवता यहाँ से लाभ में दृष्टि डालेंगे, बड़े भाई बहन से बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन लाभ संबंधी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी छोटी सी, लाभ संबंधी एडवांटेज मिलेगा और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम भी जरूर आएंगी। केतु देवता लगन में दृष्टि डालेंगे, वहाँ भी पर्सनैलिटी के लिए अच्छे हो गए। केतु देवता छोटे भाई बहन फजूल की मेहनत पर दृष्टि डालेंगे, छोटी यात्राओं पर दृष्टि डालेंगे, यहाँ भी वो प्रॉब्लम्स ही देंगे और छोटी यात्राएँ ज़रूर करवाएंगे जातक से। लेकिन यहाँ छोटी यात्राएं करवाने का एक एडवांटेज उसको ज़रूर मिलेगा कि उसके कामकाज के नए रास्ते ज़रूर खोल देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने अति मित्र के घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ भी एडवांटेज दे दिया, यहाँ भी एडवांटेज दे दिया, यहाँ भी फजूल की यात्रा करवा करके एडवांटेज दे दिया। मतलब मैं 10 जगह गया लेकिन 2 जगह से मुझे ऐसे बड़े ऑर्डर मिल गए कि वो मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, मेरी फजूल का यात्रा जो करना था वो व्यय में नहीं गई, उसका मुझे रिवार्ड मिल गया। ऐसा कैरेक्टर यहाँ केतु देवता डिवेलप कर देंगे। केतु देव 7वीं राशि के यानी कुंडली के 8वें घर में पड़े हैं, कभी अपनी पूर्ण जिंदगी में अच्छा फल नहीं देंगे। जब भी उसकी दशा अंतर दशा चलेगी केतु देवता बिना कारण की जातक की ऑब्स्टेकल्स बढ़ा देंगे, हर काम में रुकावट, टेंशन, खेचल, फजूल की व्यय होना, हार्डवर्क ज़्यादा करना, आउटपुट ना मिलना, बिना कारण के मेंटल स्ट्रेस रहना, कॉन्फिडेंस लेवल लूज करना, वो सारी चीज़ें 8वें में पड़ा केतु देवता ज़रूर करवाएगा। केतु देवता की दृष्टि फजूल व्यय पे पड़ेगी, फजूल के व्यय होते ही रहेंगे। केतु देवता की दृष्टि धन कुटुंब वाणी पे पड़ेगी, धन कुटुंब वाणी संबंधी भी सदा प्रॉब्लम बनाई रखेंगे। केतु देवता के 4थे भाव पे जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, विदेश सेटलमेंट करने में केतु देवता बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे और बहुत बड़ा सहायक होंगे। जातक अपनी नेटिव लैंड छोड़ करके फॉरेन सेटल हो जाएगा केतु की दशा में, और केतु की दशा में ही वो वहाँ जॉब करके अच्छी अर्निंग करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है। यहाँ अगर वो सबॉर्डिनेशन में जाता है, क्योंकि यहाँ नेटिव लैंड पर जो दृष्टि डाली नेटिव लैंड से दूर ज़रूर ले करके जाता है। केतु देवता 8वीं राशि के यानी कुंडली के 9वें भाव में पड़े होंगे, अपनी पूरी दशांतर दशा में बहुत अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि केतु देवता यहाँ उच्च के हो जाते हैं,
उच्च के होने की वजह से केतु देवता को यहाँ एडवांटेज मिलता है। यहाँ से लगन पे दृष्टि डाली एडवांटेज, यहाँ से पराक्रम पे दृष्टि डाली, मेहनत पे एडवांटेज, यहाँ से संतान पक्ष से एडवांटेज, अनसर्टेन गेन, लवर मास में इम्प्रूवमेंट मिलना, लवर मास में रिजल्ट अच्छा मिलना, अनसर्टेन गेन मिलना और स्टमक की प्रॉब्लम्स को दूर करना, सारा कुछ यहाँ मिलेगा। केतु देवता दसवें भाव में पड़े हों, यहाँ भी केतु देव उच्च के माने जाते हैं। उच्च के केतु देवता अपनी दशांतर दशा में अगर उसमें डिग्री वाइज जरा सा भी बलाबल हुआ, अपनी दशांतर दशा में कामकाज के बड़े नए नए रास्ते खोल देंगे। इंसान क्रिएटिव भी बन जाता है यहाँ पे केतु देव उच्च के होने की वजह से। यहाँ से धन कुटुंब वाणी पे दृष्टि डाली, वो भी एडवांटेज। यहाँ से मकान गाड़ी भूमि वाहन पे दृष्टि डाली, वो भी एडवांटेज। यहाँ से दृष्टि डाली रोग ऋण शत्रु दुर्घटना मुकदमा, आपका कितना भी पुराना केस क्यों ना लटक रहा हो, यहाँ से उच्च के केतु देवता दृष्टि छठे भाव पे डालकर कोर्ट केस को ख़त्म करके आपको एडवांटेज देने में बाध्य हो जाएंगे। केतु देवता एकादश घर में पड़े हों, यानी शनि की साधारण राशि में पड़े हों, यहाँ पड़े हुए केतु देवता आपको सदैव एडवांटेज देंगे। अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी होगी तो और ज़्यादा अच्छे एडवांटेज देंगे, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, छोटी मोटी बीमारियाँ भी ज़रूर होंगी और बड़े भाई बहनों से लाभ दिलाकर छोटे भाई बहनों से छोटी यात्राएँ भी करवा देंगे, औलाद संबंधी भी एडवांटेज देंगे, अनसर्टेन गेन भी देंगे। यहाँ से केतु देवता सातवें भाव पे जो दृष्टि डालेंगे उसके रिगार्डिंग भी, यानी पार्टनरशिप में एडवांटेज देंगे, इस संबंधी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा और हमारी डेली वेजेस के नए नए रास्ते भी केतु देवता ग्यारहवें भाव में पड़े हुए ज़रूर खोल देंगे और हमें अच्छा लाभ देंगे। बस शर्त सिर्फ इतनी याद रखिएगा, केतु में भी या राहु में भी या कोई भी ऐसे ग्रह जितने आज तक हमने पढ़े उनमें डिग्री वाइज बलाबल ज़रूर कैलकुलेट कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा कि उसमें बल कितना है, उसके रिगार्डिंग ही उसके अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। केतु देवता बारहवें भाव में पड़े होंगे तो व्यय के भाव में चले गए, अपनी दशा अंतर दशा में फजूल का व्यय करवाना तय है, विदेश यात्रा भी करवा देंगे, विदेश सेटलमेंट भी करवा देंगे। विदेश सेटलमेंट क्यों करवाएंगे, क्योंकि चौथे भाव पे दृष्टि डालेंगे, नेटिव लैंड से दूर ले जाएंगे, माता गाड़ी भूमि वाहन से सदैव दूर ले जा करके विदेश सेटलमेंट करवा देंगे। वहाँ जाकर जातक सदैव जॉब करेगा, सबॉर्डिनेशन करेगा, अंडर रह के काम करेगा, तभी वो कामयाब रह पाएगा, नहीं तो उसे दिक्कत परेशानियाँ ज़्यादा आएंगी, वहाँ उसकी सेटलमेंट नहीं हो पाएगी विदेश जा कर के भी, क्योंकि वहाँ से नौवीं दृष्टि जो डाल रहा है आठवें घर पे, फजूल की ऑब्स्टेकल भी सदैव बढ़ाई रखेंगे। जातक जितना मर्जी अच्छा करना चाहे वो कभी अच्छा कर ही नहीं पाता, क्योंकि केतु देवता की दशा अंतर दशा में सदैव उसको ऑब्स्टेकल्स का सामना करना पड़ता है। और किसी पंडित जी ने ये बोल दिया केतु तो मोक्ष प्राप्ति के लिए आए हैं, केतु तो बहुत अच्छे हैं, अरे भाई मोक्ष प्राप्ति तो मरने के बाद होगी, वो प्रॉब्लम्स आया है जीते जी लेकर के, अब जीते जी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करो, मरने के बाद उसे क्या बता रहे हो कि केतु देवता बार में पड़े हैं तो मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, किसने देखी है वो चीज़, जो सामने खड़ी है वो चीज़ बताइए। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ आपको, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बहुत सारे हमारे व्यापारी भाई आते हैं, रोज़ी रोज़गार करने वाले आते हैं, डेली वेजेस वाले आते हैं, दलाल आते हैं ऐसी चीज़ों के, जिन्होंने सुबह शाम माल लेकर के बेचना होता है, ट्रेडिंग करनी होती है जिन्होंने, या शेयर मार्केट वाले दलाल आते हैं, या ऐसी चीज़ों वाले लोग आते हैं, या ऐसे जातक आते हैं जिनका काम इधर से सामान लिया उधर दे दिया, उधर से सामान लिया उधर दे दिया। ऐसे जातकों का काम अगर अटकता हो, काम में प्रॉब्लम्स आ रही हो, पेमेंट्स में डिले हो रहा हो, काम सिरे ना चढ़ता हो, ऑर्डर टाइम पे मैच्योर ना कर पाते हो, तो सिंपल आप एक बुध देवता का व्रत करके इन प्रॉब्लम से फारग होने का रास्ता ढूंढ सकते हो, क्योंकि बुध देवता इन सब चीज़ों का कारक माना जाता है और वो किसी के लिए अशुभ नहीं होता। सदैव बुध देवता का व्रत करके व्यापारी आदमी अपने व्यापार में उन्नति का रास्ता खोल सकता है। प्रिय दर्शकों, आज इतना ही, हम सब के लिए शनिदेव से मंगल कामना करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.